जमाने में म्यूजिक फेस्टिवल सब नहीं होते थे, आज से 70 साल पहले या तो कोर्ट म्यूजिशियन थे, कोर्ट में राजा महाराजा नवाब लोग बैठे हुए सुन रहे हैं, या उसके बाद जमींदारों के यहाँ महफिल हुई, और मतलब ऐसी जगह पर कोई ऐसा नहीं है कि भाई एक बड़ा फेस्टिवल, आज तो हज़ारों की तादाद में फेस्टिवल हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में क्या और पूरे दुनिया में क्या। तो वो दौर जो था उसमें लोग गाना बजाना करते थे, मतलब कभी के साथ अगर सरंगी प्लेयर बैठा हुआ है तो गाना बजाना ऐसा हो रहा है कि तू ना कहते मैं भी कह रहा हूँ। और सरंगी प्लेयर में ये खूबी थी कि एक उनकी भी कहती एक अपनी भी सुना दी, तो कुछ जो गायक कलाकार थे गुणी लोग थे लेकिन वो इससे डिस्टर्ब होते थे कि यार मेरी तो कह दी और अपनी भी सुना दी है, तो इसलिए थोड़ा सा सरंगी को उन्होंने अवॉइड करना शुरू किया। लेकिन अब माशाल्लाह दौर फिर वो बदला कि सरंगी दोबारा से स्टेज पर नज़र आ रही है संगत के लिए भी और सोलो के लिए, और यंगस्टर्स सीख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये चैलेंजेस कुछ इस तरह के आए हैं कि उसको सुधारने के लिए बुज़ुर्गों ने बहुत काम किया है, चाहे उसमें उस्ताद शकू खां साहब हों या बोले गुलाम साकिर खां साहब, साहब खां साहब, उस्ताद सुल्तान खां साहब, पंडित राम नारायण जी, ये कुछ ऐसे सरंगी के पिलर्स कि जिनकी वजह से सरंगी का जो एक छत बची हुई है, जो सारंगी का जो नाम है जितना मैं आता हूँ फ्यूचर में सौरंगी, तो सौरंगी ऐसे थोड़ा ना कि 100 कलर्स ऐसे दिखते हैं, यही कलर्स हैं जिसमें सारंगी फिट होती है कि सोलो सारंगी भी बज रही है, ख्याल के साथ भी बज रही है, ध्रुपद के साथ भी बज रही है, तबले के साथ भी बज रही है, डांस के साथ भी बज रही है, फ्यूजन में बज रही है, बॉलीवुड में बज रही है, ये सब अलग अलग कलर्स हैं। तो सारंगी तो हर जगह फिट हो जाती है, सारंगी प्लेयर की वो तालीम हो कि वो अपने उस तालीम को वर्सटाइल तरीके से चूज कर सकते। देखिए चैलेंजेस तो सारंगी के लिए शुरू से हैं, जब आपने सारंगी सीखना शुरू करी तो वो चैलेंजेस पहले दिन से शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा मुश्किल सारंगी यही है, ऐसा लोगों का मानना है, हमारा भी मानना है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि आप कर नहीं सकते। मेहनत तो हर काम मांगता है, सितार भी मेहनत मांगता है, तबला भी मांगता है, गाना भी। किसी भी आर्टिस्ट से पूछिए कि भाई आप जो काम करते हैं वो आसान है, कोई भी नहीं भैया रात रात भर रियाज किया तब जाके ऐसा हुआ। खानदानी लोगों के ऊपर की जिम्मेदारी कुछ अलग भी नहीं होती कि भाई अगर आपने अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग तारीफ करेंगे कि भाई इनके बाप दादा बहुत अच्छे थे तो ये भी अच्छे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर कहीं गड़बड़ करी तो ये भी हुआ कि यार बाप दादा कैसे थे और ये देखो कैसा गंदा काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने जो तालीम दी है वो कुछ इससे परंपरा की, लेकिन ऑनलाइन के जो स्टूडेंट हैं उनके यूएस से भी सीख रहा है, ताइवान से भी सीख रहे हैं, यूक्रेन से सीख रहे हैं, इंडिया से भी सीख रहे हैं। तो जो लोग दिल्ली नहीं आ सकते या जो लोग इंडिया नहीं आ सकते उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट होता है कि अभी एक इमिनेंट आर्टिस्ट से वो डायरेक्टली सीख रहे हैं। तो जो लोग बेचारे अमेरिका में बैठे हुए उनको कैसे घंटा बन गया, तो उनको हम कहते हैं कि आप तालीम दो, वो जो फी वगैरह वो तो मसला ही करना क्या, लेकिन आप जब इंडिया आएंगे तो सबसे पहले गंडा बनेगा। हमने सोचा कि एक सेमिनार रखते हैं शुरू सुबह से लेकर रात तक का, ऑडिटोरियम बुक करवाया और सुबह में अकरम भाई का लेक्चर वो वर्कशॉप किया, फिर बाद में हमने कहा कि दोपहर के टाइम 4:30 बजे एक सेमिनार शुरू कर दूँ जिसमें हम सारे यंग कलाकारों को बुलाते हैं, सिर्फ यंग कलाकार और कुछ क्रिएटिव स्कूल लाते हैं और उनसे सिर्फ बातचीत करते हैं कि वो जो आप जो काम कर रहे हो कि आपको क्या क्या परेशानी हो रही है या झेली है या झेल रहे हैं, तो कोई भी नहीं आया। शायद 2 कलाकार आए होंगे, क्रिटिक्स आ जाए और बड़े बड़े क्रिटिक आए, हम कह रहे हैं यार कोई भी नहीं आया सेमिनार में, डर के मारे कि अगर बोल दिया तो कहीं किसी को बुरा ना लग जाए। तो फिर हमने कहा कि आप कोई नहीं आया तो ऐसा करते हैं क्रिटिक को ऊपर रखें, पहले हमने सोचा था कलाकारों को ऊपर रखेंगे और क्रिटिक्स सवाल जवाब करेंगे। फिर हमने क्रिटिक्स को ऊपर बुलाया स्टेज पर, फतेह भाई मैं महुआ जी और ये सारे क्रिटिक्स बैठे और फिर हमने आपस में डिस्कशन शुरू कर दिया, ये जो कलाकार तो आए जिस तरह से मैंने बताया
करता है कि भाई स्पॉन्सर्स यंग कलाकारों के नाम से पैसा देने के लिए लाजिम नहीं, उनको एक बड़ा नाम चाहिए। वो जो कलाकार 20 साल 25 साल सीख रहे हैं और वो इसलिए सीख रहे हैं कि भाई उनको किसी सूरत से लोग सुने, उनको इंकरेज करें और वो नहीं हो पाता, चाहे सारंगी को लीजिए। अगर मैं यंग हूँ तो मैं चाहूँगा कि मुझे वो एक प्लेटफॉर्म मुझे मिले ताकि जो मैंने तालीम ली है मैं उसको लोगों तक पहुँचा सकूँ, सुना सकूँ। उसके बाद की बात है कि भाई वो लोग क्या रिएक्ट करते हैं, लेकिन अगर वो स्टेज ही नहीं मिलेगा तो वो तालीम जो है वो एक दायरे में रह जाती है। एक फेस्टिवल ऐसा शुरू किया जाए कि भाई जहाँ सिर्फ यंग कलाकार प्रेजेंट हो और उनके लिए चाहे गवर्नमेंट से हेल्प हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज उसको स्पॉन्सर करें या कलाकार उसको खुद से करें, एक ऐसी चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि आने वाले कल में एक कोई फेस्टिवल ऐसा हो जिसमें सिर्फ यंग कलाकार हो और वो यंग कलाकार आज से 20 साल के बाद ये कहे कि इस फेस्टिवल में मैंने आज से 20 साल में परफॉर्म किया था। पहले भी ज़रूर होगी लेकिन इस दौर में ज़्यादा बढ़ गई, वो लॉबीज बन गई। वो लॉबीज कैसी हैं कि चाहे वो कलाकारों की, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की हो या अलग अलग, कि आपको सलाम दुआ करने के लिए किसी ऐसे आदमी से मेरे जोड़ आदाब सलाम करना होगा तो आप फील्ड में नज़र आएंगी। और अगर कोई कलाकार ऐसा है कि जो अपने आप में खुश है, जो अपने घर में रहता है, उसको लोग बहुत जल्दी भूलने लगते हैं। ये बड़ी दुख की बात है कि आज सिर्फ सलाम दुआ वाला एक लिंक रह गया है। भाई सलाम दुआ है तो ठीक है, नहीं तो कौन कलाकार कैसा कलाकार, ये मेरे लिहाज से गलत। या फिर वो जो लॉबीज बन गई हैं कि भाई वो मुझसे अच्छा है तो मैं उसी को नाम दूंगा, भले ही उससे बेटर कोई कलाकार है उसको उसका नाम सजेस्ट नहीं कर सकता। अगर कहीं तारीफ भी हो रही होगी तो खामोश रहेंगे कि कहीं मेरे मुँह से तारीफ निकल गई तो उसको चांस मिल जाएगा। तो ये जो इस तरीके की बातें, वो दिल साफ कलाकारों का ज़रूरी है कि एक दूसरे के लिए वो रिस्पेक्ट हमन साफ रखें। जो हमने बुजुर्गों से अपने सीखा है कि ईमानदारी और हर किसी को जो जिसने जितनी मेहनत करी है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और इंकरेज करना चाहिए ताकि उसकी हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी तरक्की करें।